अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चार बेहतरीन बिरयानी के रेसिपीज़। तो इसमें है चिकन दम बिरयानी, ज़ाफ़रानी बिरयानी, कल्याणी बिरयानी और फ्राइड चिकन बिरयानी। तो चलिए सबसे पहले अब हम बनाएंगे चिकन दम बिरयानी। तो ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है, चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये है 4 से 5 बारीक कटी हुई प्याज। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब ये जो प्याज है इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे हम। और अब ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गई तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। और ये है 2 किलो चिकन। तो हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे अब हम। ये है कसूरी मेथी, हरी मिर्ची का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। तो ये मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब। ये है साबित गरम मसाला, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, लौंग, जायफल का टुकड़ा, जावित्री। तो इन सबको हम मिलाकर पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बना लेने के बाद में हम 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे चिकन के अंदर। दही ऐड कर लेंगे अब, कटा हुआ कोथमीर और पुदीना ऐड कर लेंगे। ये है नींबू का रस, घी ऐड कर लेंगे हम 2 कप। तली हुई प्याज भी ऐड कर लेंगे अब। तो प्याज ऐड कर लेने के बाद में हम इसको 1 से 2 घंटों के लिए रख देंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए वो अच्छे से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। और जब तक कि चिकन मैरिनेट होगा हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो हमने पानी को गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर हमने ऐड किया है हरा मसाला, कोथमीर और पुदीना। ये है साबित गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा। ये है नमक। और जैसे ही अदहन में उबाल आएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये भीगे हुए चावल। तो ये 1.5 किलो चावल है। तो पानी में हम चावल ऐड कर लेने के बाद में ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, जस्ट बॉईल करना है। जैसे ही चावल बॉईल होना शुरू हो जाएंगे हम जब चावलों को निथार लेंगे। तो ये देखिए चावल में उबाल आ गया, अब हम चावल को निथार लेंगे। एक कप पानी ऐड कर लेंगे हम ये मैरिनेटेड चिकन में। गोश्त के ऊपर से हम निथारे हुए चावल डाल देंगे। चिकन के ऊपर से हमने चावलों की लेयर लगा दी है तो इसके ऊपर से हम 1 कप घी ऐड कर लेंगे। कटा हुआ कोथमीर और पुदीना भी ऐड कर लेंगे, तली हुई प्याज। और ये है ज़ाफ़रान वाला दूध 1/2 कप। तो हमने ज़ाफ़रान के काढ़ियों को दूध के अंदर मिला के रख दिया था ताकि इसका जो कलर है अच्छे से आ जाए। और ये है गरम मसाला जो पाउडर हमने बनाया था वो भी इसके ऊपर से ऐड कर लेंगे। और अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और इसके ऊपर से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे अब, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकल सके। तो इसको हम चारों तरफ से पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है एल्युमिनियम फॉइल से। कवर कर लेने के बाद में हम इसके ऊपर एक ढक्कन ढाँप लेंगे और मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद पकाने के बाद में हम इसको लो हीट पे रख के दम पे रख देंगे 45 मिनट्स के लिए। और अब 45 मिनट्स हो गए तो हमने ढक्कन निकाल लिया है इसका और अब हम एल्युमिनियम फॉइल भी निकाल लेंगे।
बिरयानी बहुत अच्छे से दम हो चुकी है, तो अब हम आपको निकाल के भी दिखा देंगे। जब भी आप दम बिरयानी बनाएंगे तो चावलों को कच्चे निथारना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी दम पे हम डालेंगे इसको तो चिकन के साथ में अच्छे से दम हो जाते, तो इसी वजह से हम चावल कच्चे निथार लेंगे। तो आप इसको सर्व कीजिए मिर्चियों के सालन और दही की चटनी के साथ में। और अब हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी। सबसे पहले हम इसके लिए गरम मसाला पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये है इलायची, शाजीरा, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग, तो ये सब चीज़ों को हम एक साथ में मिला के पाउडर बना के रख लेंगे इस तरह से। और अब हम प्याज फ्राई करके रख लेंगे बिरयानी के लिए। तो हमने 500 ml कुकिंग ऑयल में प्याज को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। ये है 500 ग्राम्स बारीक कटी हुई प्याज, तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे हम इसको। तो ये देखिए, ये प्याज अच्छे से ब्राउन कलर में आ गई। अब हम इसको निकाल लेंगे, तेल से अलग कर लेंगे। और ये है 750 ml दूध, तो दूध को हमने मलाई बनाने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ज़ाफ़रानी बिरयानी में इस तरह से मलाई बना के ऐड करते, दूध को बिल्कुल ड्राई होने तक पकाना है। तो ये देखिए, अब ये दूध अच्छे से पक गया, मलाई के फॉर्म में आ गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अब हम मटन को मैरिनेट करना शुरू करेंगे। तो ये है 1.5 किलो मटन, इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, ड्राइड रोज पेटल्स ऐड कर लेंगे अब, कच्ची पपई का पेस्ट ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे अब, कोतमीर, पुदीना और तली हुई प्याज, जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने प्याज फ्राई की थी उसमें से हाफ प्याज लेके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये है हरी मिर्च स्लिट्स की हुई, गरम मसाला पाउडर भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बनाया था, 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी, दही ऐड कर लेंगे अब। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद में हम मलाई ऐड कर लेंगे और फिर से मिला लेंगे इसको। और ये है ज़ाफ़रान की काढ़ियाँ, तो 1/2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर, तेज़पत्ता और तली हुई प्याज ऐड कर लेंगे। और जब तक कि मटन मैरिनेट होगा हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च और साबित गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, नमक ऐड करके हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब तक के पानी बॉईल होगा हम चावल भी धो के रख लेंगे। पानी में जब उबाल आएगा हम धुले हुए चावल ऐड कर लेंगे इसके अंदर, 2 किलो चावल है ये। तो चावल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस पानी में जैसे ही अदहन में उबाल आएगा, एक उबाल आने पे ही हम चावल को निथार लेंगे। तो ये देखिए, चावल में एक उबाल आ गया, हम निथार के मैरिनेटेड मटन के ऊपर से ऐड कर लेंगे। तो चावल के ऊपर से डालने के लिए अब हमने दूध के अंदर ज़ाफ़रान की काढ़ियों को भिगा के रख लिया था। 1/2 टेबल स्पून ज़ाफ़रान की काढ़ियों को ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेके हम ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे हम इसके ऊपर से, घी ऐड कर लेंगे, 1/2 कप घी है ये, और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करके, कोतमीर, पुदीना ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ, कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे इसके ऊपर से, ये तली हुई प्याज का जो कुकिंग ऑयल था वही है ये। और अब हम इसको ढक्कन से ढाप के चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे हाई हीट पे 10 मिनट्स के लिए। और 10 मिनट्स हाई हीट पे पका लेने के बाद में हम चूल्हे पे तवे को गरम कर लेंगे हाई हीट पे, और उसके बाद में भगोने को तवे के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में फिर हम लो हीट पे पकने के लिए दम पे रख देंगे बिरयानी को 25 से 30 मिनट के लिए।
तो ये देखिए 25 से 30 मिनट दम हो जाने के बाद में हम इसका ढक्कन निकाल के चेक कर लेंगे इसको। और अब ये बिरयानी अच्छे से दम हो गई, तो हमने फ्लेम ऑफ कर लिया है। चावल भी अच्छे से खिले खिले बन गए, क्योंकि चावल हमको कच्चे निथारना रहता दम की बिरयानी बनाने के लिए। और अब हम बनाएंगे कल्याणी मटन बिरयानी। तो सबसे पहले अब हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे हमने अदहन को पकने के लिए रख दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा है ये, और हरा मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी कोतमीर है, पुदीना, हरी मिर्च। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे अब। तो कुकिंग ऑयल इसलिए ऐड करेंगे हम, चावल पकने के टाइम पे जो है सो चिपकते हैं एक दूसरे से। और नमक ऐड कर लेंगे अब। और जब पानी उबाल पे आएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सोफ्ट राइस। तो आधा घंटा पहले आप चावलों को धो के रख लीजिए। तो चावलों को हम 70-80% कुक होने के लिए रख देंगे। और अब ये चावल अच्छे से पक गए, तो अब हम निथार लेंगे इसको। तो चावलों को निथारने के बाद में हम एक साइड में रख लेंगे इसको, और अब हम अखनी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो मटन के अंदर अब हम ऐड करेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, एक नींबू का निकाला हुआ रस, दही ऐड कर लेंगे अब, हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्च। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अब। तो मिला लेने के बाद में हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। और कुकर के अंदर हमने तेल डाल के रख दिया है गरम होने के लिए, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, बारीक काट लेंगे प्याज को। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और अब ये प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया, तो अब हम इसके अंदर से जो प्याज है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये प्याज जो है हमको दम पे डालने का रहता बिरयानी में। तो थोड़ी सी प्याज हम कुकर में छोड़ देंगे, और इसी में से हम थोड़ा तेल भी निकाल लेंगे, ये भी हमको दम पे डालना रहता। तो ये देखिए प्याज और तेल को हमने निकाल के रख दिया है एक साइड में, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मैरिनेटेड मटन। एक गिलास पानी डाल के अब हम इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। जब मटन गल जाएगा तब हम कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो अब कुकर का ढक्कन हमने निकाल लिया है, और अब ये मटन अच्छे से गल गया, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और ये जो पके हुए चावल है, तो इसके अंदर से हमने आधी लेयर चावलों की अलग से निकाल के रख दी है, और इसके अंदर अब हम बीच में से मटन की लेयर लगा लेंगे। दोनों चावलों के बीच में हम मटन की लेयर लगाएंगे, और मटन की लेयर लगाने के बाद में हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे इसके ऊपर से, और ये पके हुए चावलों की एक लेयर लगा लेंगे, और इसके ऊपर से हम ज़ैफ़रान का दूध डालेंगे। हाफ कप मिल्क में आप थोड़े से ज़ैफ़रान के काड़ियों को मिला के रख दीजिए, इससे इसका कलर अच्छा आता। और थोड़ा सा कोतमीर पुदीना ऐड कर लीजिए इसके ऊपर से, बिरयानी के ऊपर से, और फ्राइड अनियंस भी ऐड कर लेंगे हम इसके ऊपर से। ये है गरम मसाला, तो इसको भी हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर से।
और ये वही कुकिंग ऑयल है जो हमने प्याज को फ्राई की थी, तो वो भी ऐड कर लेंगे हम इसके ऊपर से। और अब हम बिरयानी को दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के। तो 15 से 20 मिनट हो गए, अब ये बिरयानी अच्छे से दम हो गई, तो ये देखिए हम आपको निकाल के भी दिखा देंगे। तो आप इसको सर्व कीजिए बघारे बैंगन या तो बघारे टमाटर और मिर्चियों के सालन के साथ में। तो इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब हम बनाएंगे फ्राइड चिकन बिरयानी। तो सबसे पहले अब हम बिरयानी के लिए गरम मसाला बना के तैयार कर लेंगे। ये है शाजीरा 2 टीस्पून, और ये है दालचीनी के 6 से 7 टुकड़े, 2 टीस्पून लौंग, 2 टीस्पून इलायची, ये है जावित्री, जावित्री के हम 2 टुकड़े ले लेंगे इतने साइज़ के, जायफल, जायफल का हम हाफ पीस ले लेंगे। तो चलिए अब हम इन सब को एक साथ करके पाउडर बना के रख लेंगे। तो ये देखिए हमने गरम मसाला पाउडर बना के तैयार कर लिया है, और ये है 4 प्याज के डलियां, तो बड़े साइज़ के ले लेंगे हम प्याज, और इसको बारीक काट के अब फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो हम कढ़ाई में ज़्यादा तेल डालेंगे ताकि जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये है 2 किलो चिकन, तो हम चिकन के बड़े साइज़ के पीसेस ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम कट्स भी लगा लेंगे चिकन के। तो सबसे पहले अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक ऐड कर लेंगे, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे, तो इसको अब अच्छे से मिला लेंगे हम। चिकन को अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये तली हुई प्याज, दही ऐड कर लेंगे अब, नींबू का रस ऐड कर लेंगे, कसूरी मेथी, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे फिर से। कोतमीर पुदीना ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। मिलाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और जब तक ये चिकन मैरिनेट होगा हम चावल पकने के लिए, चावल के लिए अधन रख लेंगे। तो ये देखिए हमने चूल्हे पर अधन रख दिया है, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर साबित गरम मसाले, दालचीनी, इलायची, लौंग, शाजीरा, तेजपत्ता, हरा मसाला ऐड कर लेंगे, कोतमीर पुदीना और हरी मिर्च। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब इसमें फर्स्ट बॉईल आएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल 3 to 4 टीस्पून, ताकि जब चावल हम पकने के लिए डालेंगे इसके अंदर तो चावल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं पकने के दरमियान में। और अब हमने नमक भी ऐड कर लिया है, तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे पानी को। और जब ये पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सोक्ड राइस। तो चावलों को हमने 1 घंटा पहले से ही अच्छे से धो के भिगो के रख लिया था। 1.5 किलो चावल है ये, तो हम 2 किलो चिकन के लिए 1.5 किलो चावल लेंगे।
और अब हम चावलों को ज़्यादा पकने भी नहीं देंगे, एक कनी बाकी रखेंगे हम, यानी कि 75% चावलों को पकने देंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये चावल अब अच्छे से पके तो अब हम इसको निथार लेंगे। तो ये देखिए हमने चावलों को अच्छे से निथार लिया है और ये चावल भी खुले खुले अलग है। और ये है मैरिनेटेड चिकन, तो हम चिकन के पीसेस और मसाले को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमको ये चिकन को अब फ्राई करना है। तो हम सारे पीसेस को अलग कर लेंगे, मसाला और चिकन बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मसाला अलग कर लिया है और चिकन के पीसेस को भी अलग से निकाल के रख लिया है यहाँ पर। और अब ये जो चिकन की जो मसाला था उसको हम अलग से पका लेंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, जो हमने बिरयानी के लिए प्याज फ्राई की थी वही ऑयल ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो लगभग हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। और अब हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे इसके अंदर कढ़ाई में और चिकन के पीसेस को रखते जाएंगे। और अब हम इसके साइड चेंज करेंगे और इसको फ्राई करेंगे फिर से। और अब ये चिकन फ्राई हो गया तो अब हम निकाल लेंगे, तो बाकी के चिकन भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब और ये यखनी भी अच्छे से पक गई तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये फ्राइड चिकन। और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम। कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, जो हमने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल है ये। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के पका लेंगे। और अब यखनी अच्छे से पक गई तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए पके हुए चावलों का आधा हिस्सा हमने नीचे छोड़ दिया है और अब हम बीच में लगाएंगे पकी हुई यखनी। आधे चावल जो हमने निकाल के रखे थे तो उसकी लेयर एक हम लगा लेंगे ऊपर से अखनी के। तो चावलों को इस तरह से बराबर कर लीजिए, घी ऐड कर लेंगे 1 कप और इसके ऊपर से हमने ऐड किया है ज़ाफ़रान वाला दूध, तो 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रान की कड़ियों में 1/2 कप मिल्क मिला के आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए। और ये है तली हुई प्याज कोथमीर पुदीना ऐड कर लेंगे अब। और अब हम इसको एक ढक्कन से ढाप कर रख देंगे दम पे 20 से 25 मिनट के लिए। और अब 20 से 25 मिनट हो गए तो अब ये बिरयानी अच्छे से दम हो गई।
तो आप लोग भी ये चार बिरयानी के रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।